Subscribe our channel and don't forget to press the bell icon to get the latest updates. देश में कोरोना की दूसरी लहर चलने के साथ साथ अब आपको एक बड़ी खबर और बता दें। असम में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक यह भूकंप बुधवार सुबह 7:51 पे आया। इसका केंद्र यानी एपिसेंटर सोनितपुरा में था। इस भूकंप से उत्तर पूर्व समेत उत्तर बंगाल के कई इलाकों में भी तेज झटके महसूस किए गए। इस भूकंप के बारे में आपको बता दें, गुवाहाटी समेत कई जगहों से दीवारें टूटने और बड़ी दरारें आने की तस्वीरें सामने आई। रात की बात यह है कि अभी तक किसी की जान जाने की खबर सामने नहीं आई है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि लोगों की सलामती की प्रार्थना करते हुए सभी से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। भूकंप के बारे में सभी जिलों से अपडेट लिया जा रहा है। तो इसी बीच आपको बताते हैं कि क्या 6 की तीव्रता वाला भूकंप खतरनाक होता है या नहीं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक भूकंप की असली वजह टेक्टोनिकल प्लेटों में तेज हलचल होती है। इसके अलावा उल्का प्रभाव और ज्वालामुखी विस्फोट, माइन टेस्टिंग और न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से भी भूकंप आता है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इस स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का भूकंप हल्का होता है, जबकि 6 की तीव्रता का मतलब शक्तिशाली भूकंप होता है। इस बीच हम आपको बताते हैं कि भूकंप की तीव्रता का अंदाज़ा किस तरीके से लगाया जाता है। भूकंप की तीव्रता का अंदाज़ा उसके एपिसेंटर से निकलने वाली ऊर्जा की तरंगों से लगाया जाता है। सैकड़ों किलोमीटर तक फैली यह लहर से कंपन होता है। धरती में दरारें पड़ जाती हैं। भूकंप का केंद्र कम गहराई पर हो तो इससे बाहर निकलने वाली ऊर्जा सतह से काफ़ी करीब होती है। इससे बड़ी तबाही होने की आशंका रहती है।